वेलकम बैक टू माइनर। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं रात के 7:30, तो अभी मैं जा रहा हूँ झरना लोग के यहाँ, तो चलिए फटाफट निकलते हैं। वैसे आज गुरुवार भी है तो भागवत भी होगा हमारे राधा कृष्ण मंदिर में, और आज नहीं, बहुत दिन से, लगभग 2-3 दिन से यहाँ हमारे कलकत्ता वाले लोग आके सजा भी लिए, तो इसके बारे में डिटेल कल अच्छे से दिखाऊंगा मैं आपको। वैसे अभी हमारे पत्थलगांव में लगभग कितना दिन बचा है, 15 तारीख से अग्रसेन जयंती है, तो बहुत ही धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। तो ज्यादातर हमारे पत्थलगांव में सेठ मारवाड़ी लोग रहते हैं, किसी भी पूजा में सबसे ज्यादा इसी को करते हैं, तो बहुत ही अच्छा से अभी तो सजेगा पूरा सभी जगह, और नवरात्रि भी पहुंचने ही वाला है, बहुत सारे जगहों में रखेंगे। तो एक जगह उनमें से कुछ दिन पहले आपको दिखाया था, गणेश रखे थे, तो यहाँ पे अभी बन रहा होगा। ये लोग ज्यादातर बनवाते हैं, खरीदते नहीं है, मतलब बने बनाया। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे ट्रैफिक जाम, चलिए बड़े देर बाद ट्रैफिक खुला, एक बीच रोड में अड़ा दिया था ट्रक वाला, तो सभी जगह देखिए अभी अभी खुला है जस्ट, तो कैसे भीड़ भाड़ लग रहा है। पुलिस चौक के जस्ट बगल में यहाँ भी जस्ट सजाते हैं, तो यहाँ भी बनाया जा रहा है। वैसे बैठा है तो बहुत जगह जाता है, दुर्गा सब्जी मंडी, पुलिस चौक, और इधर आगे देखेंगे जसपुर रोड में, रायगढ़ रोड में भी रखते हैं जबरदस्त, और बहुत अच्छे अच्छे से नाटक वगैरह भी होता है। तो इस बार तो मेरा ब्लॉग चैनल आ गया, पिछले बार नहीं बना रहा था, तो आपको अच्छे से दिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। तो पहले बचपन में जब यहाँ से, तो हमारा मामा घर काफी पास है, तो चल के हम लोग आते थे आरती अटेंड करने के लिए, इतना हम लोग को मज़ा आता था बोलिए। तो अब भी आते हैं, बाकी गांव में रखने से भी, और पहले गांव में नहीं रखते थे हमारे, तो आते थे ज़्यादातर इधर ही, तो गांव का भी दिखाएंगे और यहां आसपास का भी, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े ही रहिएगा। गाइस आज महालक्ष्मी व्रत है, तो देखिए यहाँ पे दिया वगैरह जलाया जा रहा है वहाँ से। चलिए फाइनली यहाँ का रोड का ढलाई हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का भी, और जो इस रोड को बनाने के लिए आवाज उठाने वालों का भी। देखिए हमारे साइड का रोड ही नहीं दिख रहा है। चलिए अब मैं सीधे घर आ गया, जल्दी से आना था, तो मैं हड़बड़ी से निकल गया वहां से हम लोग। तो चलिए हमारे गांव का नाइट वाला व्यू मैं आपको कभी नहीं दिखाया हूँ, तो आज सबसे ऊपर फ्लोर में चलते हैं और हमारे गाँव का रात वाला व्यू आपको दिखाता हूँ। तो गांव में तो अभी सूना साना हो गया, बाकी लाइट वगैरह जलेगा, जलता ही होगा, तो देखते हैं कितना दिखेगा, बाकी उतना तो नहीं दिखेगा। यहाँ तो हमारा वही कचड़ा फचड़ा वाला जो अनयूज वाला सामान सब इधर ही रखते हैं हम लोग, तो यहाँ से देखते हैं। चलिए यहाँ से तो बस इधर ये फ्रंट साइड है, अभी जो आवाज़ आप सुन रहे होंगे वो अभी भागवत हो रहा है हमारे गाँव में, हर गुरुवार होता है तो उसी का है, और ये सोलर वाला लाइट है तो हमेशा जलते रहता है रात को। तो इधर से देखते हैं, चलिए कुछ दिखेगा तो हमारे गांव का नज़ारा, बस वहाँ वाला लाइट जल रहा है, और इधर तो पूरा, इधर नहीं है ज़्यादा घर, एक घर यहाँ है, और इधर इससे नीचे नहीं दिखेगा, मतलब यहीं तक, यहाँ आसपास के घरों का लाइट जल रहा है। और इधर चलिए उस साइड से देखते हैं, जिस साइड में आपको दिखाया वो नीचे साइड है, तो थोड़ा ढलान टाइप का है, तो उधर एकदम ही नीचे हो जाता है, तो वो लोग का लाइट वगैरह नहीं दिख रहा है। चलिए फिलहाल इधर का देखते हैं, और इधर तो वही मेन रोड है, इधर से ऐसे रोड जाता है, तो इधर हमारे शंकर भैया लोग का लाइट जल रहा है इधर, तो ज़्यादा तो अच्छे से नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग का जो घर है वो ऐसे है, और बाकी जितना बस्ती है वो सब ऐसे नीचे, इस वजह से नीचे ढलान वाले लोग का नहीं दिख रहा है, शायद इसके ऊपर चढ़ने से दिखता, लेकिन रात वाला व्यू शहर जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि किसी के घर में लाइट रहता भी है तो लोग लाइट को बंद करके सो जाते हैं, और कई लोग लाइट जलाए भी रहते हैं, तो जी लोग जलाए हैं यहाँ, तो सोलर के चलते यहाँ पे का उजाला दिखता है, बाकी बहुत सारे लोग जैसे इन्हीं लोग के घर में देख लीजिए बाहर साइड नहीं जलाए हैं, सोलर है इसलिए शायद बिजली का बचत हो जा रहा है, बाकी हमारे गंजू लोग जलाए हुए हैं, और ऊपर फ्लोर का तो हम लोग भी नहीं जलाते हैं, यहाँ कोई मतलब भी नहीं है यहाँ जलाने का। यहाँ पे भी एक लाइट है, इसको भी हम लोग बंद कर दिए हैं, बस हमारा ऊपर वाला व्यू ऐसे ही है, थोड़ा सा इधर से देखते हैं अगर इधर से कुछ दिख जाए तो यहाँ से कुछ इस टाइप का नज़ारा है रात वाला, तो कुछ नहीं दिख रहा है। पहले जब हमारे पास स्कॉर्पियो था तो ये उसी का है, तो हमारे रोड में अलाइनमेंट का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, अलाइनमेंट हर
दो महीना भी नहीं लगता है, सप्ताह दो सप्ताह तीन सप्ताह में अलाइनमेंट चेक करवाना पड़ता था। दो चार साल तगड़े से चला है, तो उसी का टायर वायर बहुत चाटता था, रोड भी ठीक नहीं है, इसीलिए उसको बदल दिए, दो गाड़ी छोटा छोटा ले लिए। पहले मैं जिम उम जाता था, तो उसके लिए मैं अलग से घर में भी कभी कभी नहीं जा पाता था, उसके लिए रखा था। तो यहाँ पे मेरा गिम्बल डम्बल संबल सब रखा है, और भी कहीं कहीं है, यहाँ पे वो डिप्स मारने के लिए वो सब भी है। बहुत पहले का बात है, जब ज्यादा था, अभी तो काफी साल हो गया छोड़ दिया। फिलहाल तो यहाँ हमारे एंट्री गेट में यहाँ पे मैं स्टिकर लगाया हूँ, कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टिकर वाला दिमाग मैं अचानक से एक वीडियो देख रहा था, तब आया मेरे दिमाग में कि चलो भाई गेट सेट में किस टाइप का लगाना चाहिएगा, क्यों लोग दिखा रहे थे। बाकी इधर कुछ नहीं लगाया, इधर पूरा प्लेन है, देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना सिंपल रहता है उतना अच्छा लगता है मेरे हिसाब से। तो स्टिकर लगभग मैं लगाया हूँ अपने रूम में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक तो जैसे एंट्री करने पर आपको दिखेगा ये वाला, तो ये काफ़ी नज़दीक में था वॉलपेपर में, बाकी मैं थोड़ा सा इसको दूर दूर कर दिया। जो हमारे रूम को सजाया जो भैया लोग, उन्हीं लोग को ही बोला तो उन्हीं लोग मस्त लगा दिए। ये एसी के पास शायद, इसको तो कई बार देखे भी होंगे बहुत सारे लोग, तो ये मैं बाद में लगाया, मैं सोच रहा था इसको कहाँ लगाऊँ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तो एसी लगने के बाद मैं सोचा इसको, तो एक तो छोटा सा था, मेरे को लग रहा था जब मैं मंगाया था तो काफ़ी बड़ा हुआ करके, तो ठीक फिटिंग आया इसमें, मैं चिपका के इसको लगा दिया। तो इसको शंकर भैया हमारे लगाए हैं, तो यहाँ पे दूर से ही अच्छा एडजस्ट हो गया, देखिए। चलिए फिलहाल हम देखेंगे मैच। तो फिलहाल काफ़ी रात भी हो गया, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो के लिए एक प्यार भरा लाइक तो बनता है, साथ ही चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल।